बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ विलन हैकर फ्रॉम लेगेट पाकिस्तान। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉम्बोज क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने लेगेट पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ में डीवेल सेक चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे PH सर्विसेज, ये सब हमारे चैनल है। यहाँ पे जितने भी फीचर में आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारा चैनल किसी भी वक्त खुल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कॉम्बो लिस्ट एक ईमेल या पासवर्ड या यूज़र नेम या पासवर्ड की एक लिस्ट होता है। आप इसको अकाउंट क्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हो। तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है कोई 3 लाख के करीब मेरे पास कॉम्बो लिस्ट है, इसको लिस्ट कहते हैं कॉम्बो। और यहाँ पे जो है ईमेल है उसके, या ये वाला ईमेल, उसके बाद यहाँ पे है पासवर्ड। तो ये क्या करेगा, अगर मैं फेसबुक के अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले ये हमारे जो सॉफ्टवेयर है, जितने भी टूल्स हैं हम क्रिकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो आएंगे। सबसे पहले हम ये वाला लिस्ट अपलोड करेंगे, तो वो ये ईमेल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देगा, यहाँ से जिस तरह से है, और फिर पासवर्ड को पेस्ट कर देगा। अगर फेसबुक का अकाउंट इसमें हुआ, मतलब अगर फेसबुक का अकाउंट इसमें पैंड हुआ, तो क्या करेगा कि वो वैलिड में हमें शो करेगा, और जो नहीं हुआ वो बैड में शो करेगा। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि कॉम्बो लिस्ट इसलिए यूज़ होता है, अगर इसमें फेसबुक का अकाउंट हम क्रैक करने जा रहे हैं तो इसमें फेसबुक का कोई अकाउंट हुआ तो फिर ये क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो यूज़ होता है कॉम्बो लिस्ट, ये रेंडमली तो नहीं होती। खैर कुछ साइट्स ऐसी होती है, मतलब कि अगर आप प्राइवेट कॉम्बो यूज़ करते हो तो आपने साइट्स को हैक करके वहाँ से उठानी होती है SQL डंपर के थ्रू। मैं पेड प्रोसेस में बताऊँगा किस तरह से करते हैं। या कॉम्बो लीचर के थ्रू आप कॉम्बो बना सकते हो। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये अगर आप कोई भी टारगेटेड साइट को चूज़ करते हो, तो अगर इस लिस्ट में फेसबुक का कोई ईमेल या पासवर्ड हुआ तो वो हमें शो करेगा वहाँ पे वैलिड। तो ये इसलिए यूज़ होता है, इसमें लाजमी फेसबुक का अकाउंट होगा। इतना बड़ा लिस्ट है, 3 लाख ईमेल और पासवर्ड है, तो इसमें हो सकता है। तो इसको कहते हैं कॉम्बो लिस्ट, हम इसको अपलोड करेंगे। ये रेंडमली भी हो सकता है, और ये मतलब आप बना भी सकते हो अपना। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि प्रॉक्सीज लिस्ट क्या होती है। प्रॉक्सीज सिंपल IP होती है। IP की लिस्ट को प्रॉक्सी लिस्ट कहते हैं। इसमें HTTP होती है जो आम लोग यूज़ करते हैं, फिर SOC4 होता है, SOC5 होता है। SOC4 और 5 हैकर यूज़ करते हैं। हम जो यूज़ करेंगे हम SOC4 यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बेस्ट रहता है क्रैकिंग में, और जितनी भी ज़्यादा लाइव प्रॉक्सी होती है वो SOC4 में हमें मिल जाती है। तो कॉम्बो, ये तो मैंने आपको बता दिया कॉन्फ्लिक्स, ये भी आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल, लेकिन अभी नहीं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, अगर आपने कॉम्बो लिस्ट डाउनलोड करना है तो आपने कहाँ से करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है कॉम्बो लिस्ट क्रैक डॉट जियो। यहाँ पे जो है, ये मैं आपको पब्लिक का वाला मैं तोड़ बताता हूँ कि आपने कॉम्बो लिस्ट कहाँ से ढूंढना है। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ कॉम्बो लिस्ट। लोग यहाँ से ज़्यादा डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कोई लेटेस्ट हो पोस्ट, तो फिर ठीक रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ। यहाँ पे देख ले 53 की, जैसे कॉम्बो लिस्ट, नेटफ्लिक्स, मैट्रिक्स, स्ट्रीम, स्पॉटिफाई पर गेमिंग की कौनस है, तो इसमें ये वाली अकाउंट्स अवेलेबल है, ठीक है ना। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो आपने सिंपल यहाँ पे कुछ भी लिखना है ना, यहाँ पे ग्रीट लिख रहा हूँ, पोस्ट रिप्लाई कर देना है। ये फॉर्म्स में आपको कॉम्बो लिस्ट मिल जाएंगे, अगर आप पब्लिक मेथोड यूज़ करते हो। हम इसके लिए प्राइवेट मेथोड, अच्छी कॉम्बोज बनाने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स मिल जाएंगे, हम उसके लिए प्राइवेट कॉम्बोज बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये है, यहाँ पे देख ली USA की कॉम्बो लिस्ट है। यहाँ पे इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ये क्या, अच्छा
ये डाउनलोड हो गया है और मैं इसको ओपन करता हूँ आपके सामने, तो देख लें यहाँ पे है ईमेल, इसके बाद पासवर्ड है, और यहाँ पे शो हो रहा था कि नेटफ्लिक्स के सारे अकाउंट कितनी भी हैं इसमें ट्रिक हो सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉम्बोलिस्ट डाउनलोड कर सकते हो सिंपल में तोड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।